भी बॉर्डर मध्य प्रदेश और छह। हाँ बॉर्डर है वो सीजी का है। हाँ सीजी से हम लोग थक गए भाई। दीदी के तो आप हालत बेंड नहीं, वो तो बड़े भांजे हाँ बैठे। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे। मैं कम से कम अभी 50 किलोमीटर जा चुके हैं और रही दीदी बट अपने मुंगेली पहुंचने वाले हैं। मुंगेली थोड़ा सा आगे है यहाँ से, एक किलोमीटर दूर आगे है। चलो चलते हैं, आप सीधा कहाँ जाएंगे? अब मोटो ब्लॉगिंग सेटअप हो गया, चलते हैं सीधा और 50 देखेंगे कितने किलोमीटर के बाद रुकते हैं। कम से कम 50 किलोमीटर चल लिए अपन लोग। जय महादेव। कहाँ से? यहीं से। हाँ ये यहीं से मुंगेली पहुँच गया है और चलेंगे मुंगेली से बहुत आगे जाएंगे अपन लोग। लोरमी रायपुर किधर जाएंगे? इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी। दोनों तरफ दो रास्ते हैं ना, ये अपन को मुंगेली के अंदर से भी बाहर से निकाल देगा। हाँ अरे वाला अंदर से लेके जाता, अंदर बहुत गंदगी है। हाँ गंदगी तो नहीं जाएंगे अपने को साफ रास्ता चाहिए अच्छा से। वैसे रास्ते में मज़ा आ रहा है जाने पर, पहली बार इतना चला रहा हूँ बाइक कर, क्योंकि कैमरा सेटअप पता नहीं है कैसा है बट देखना पड़ेगा इसको किसी जगह चला कर। चलो अब देखेंगे। स्वामी आत्मनम गवर्नमेंट। हाँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल है बोल रहे हैं दीदी, बट मेरे को मालूम भी नहीं है यहाँ का ज़्यादातर। पहली बार तो मैं आ रहा हूँ इधर से। बस एक जा कहाँ रहे हैं हम लोग, आप लोग को टाइम में बताएंगे थोड़ा जा कहाँ रहे हैं हम लोग। आगर नदी ये तो नाला जैसे दिख रहा है। गंदगी ज़्यादा है, आगर नदी है। वैसे सिटी में निकले में टाइम लगे, गांव है या सिटी बट पता नहीं है। सिटी लग रहा है मेरे को बट गांव जैसा लग रहा है, भी गांव जैसा भी लग रहा है। चलो इधर से निकलते हैं, उसके बाद बनाते हैं और अच्छा अच्छा व्यू वगैरह। वैसे तो अपन लोग अभी आधा रास्ता भी कवर नहीं किए हैं। वैसे हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? मंडला लगभग मंडला जबलपुर। यहाँ से गन्ना जूस वगैरह पीते हैं। अभी अपन लोग घूम रहे हैं सिटी में। कौन सा सिटी? मुंगेली सिटी। चलो क्रॉस करते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोग को कहाँ पहुँच गए मुंगेली सिटी को। जंगल में जाएंगे। जंगलपुर है। हाँ हाँ बस जल रहा है पीछे, नीचे जल रहा है बोल रहा हूँ। मुंगेली क्रॉस कर लिए। दीदी चला रही है भाई गाड़ी, देखो चला रही है। मैं इधर बैठा हूँ। रुको रुको रुको, टोपी उड़ गया। कहाँ गया? कैप उड़ गया। कहाँ गया? उधर। मैं नहीं जा रही। हम लोग पहुंच गए बोडला गौरी गौरवीवा बट पहली बहुत दूर है हम लोग। 104 किलोमीटर 105 हो गए अपने को चलते चलते। बांधा टोला इधर जाएंगे, बांधा टोला लेफ्ट साइड, बांधा टोला बोलो।
आप लोग को चिल्फी घाटी चढ़ते समय दिखाऊंगा, फिर कल अच्छे से उसका अच्छे से दिखाएंगे कि कैसा कैसा है। अब अपन लोग चढ़ रहे हैं चिल्फी घाटी। वैसे यहाँ पहली बार आया हूँ मैं, जन दोस्त बताया था कि ऐसे करके ऐसे है करके, बट मेरे को भी उतना पता नहीं है इसके बारे में। पालक कौन सा? पालक गांव। छोटा सा गांव है, कुछ नहीं है भाई। चॉकलेट लगे क्या? दे फाड़ के दे दे, फाड़ के दे, खा लो। आते समय लाएंगे इसके लिए कुछ, आते समय लाएंगे और वापसी में चना वगैरह लाएंगे। हाँ, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा आसपास में? यहाँ से घाटी चढ़ना चालू नामपुरी घाट, इसको लोकल लैंग्वेज में नामपुरी घाट बोलते हैं, और अदर ऐसे लैंग्वेज में इसको चिल्फी घाटी बोलते हैं। पूरा स्कीट वाला रोड है पूरा। वापसी में लाएंगे ललमुहा बेंद्र। हाँ, कुछ लाएंगे ना, चना वगैरह और मुर्रा भी ला लेंगे तो हो जाएगा। ओ भाई, पैसन तो इजीली चढ़ रहा है, पैसन इजीली चढ़ रहा है बोला था। हाँ, वैसे एक गियर में सभी गाड़ी चढ़ता है, फर्स्ट गियर में, बट अपने को एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ चढ़ने का। वैसे ट्रक वाले लोग भी देख देख कर चढ़ रहे हैं, ट्रक वाले देख कर नीचे ला रहे हैं, ऊपर ले कर ले जा रहे हैं। मुझे पता था इसी में टाइम लगेगा अपने को करके, इसी में टाइम लगेगा करके पता था। हाँ, चिल्फी घाट ऐसी घाट चढ़ने में मज़ा आता है बाइक में, घाट चढ़ने में मज़ा आता है इसमें। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को जाने के लिए। यहाँ से मोड पूरा 90 डिग्री तक चढ़ना पड़ता है। जाओ भैया आप लोग, मॉर्निंग में अच्छा व्यू आता होगा। वीडियो बस बना लो, उसके बाद सेंड कर देना इंस्टाग्राम में। पानी आता है लगता है ऊपर से। हाँ, बरसात में आने में मज़ा ही आएगा। तो हाँ, लैंडस्लाइड होने का। जी, इस तरफ जो पहाड़ी है ना, इस तरफ का, इधर से, तरफ के इधर से दिखे, ये देखो। पहाड़ी दिखा रही है दीदी अभी। वहाँ पे उस तरफ जो
है ना वहाँ पे देख छोटा छोटा दिख रहा होगा हाँ। वो पूरा जो वन विभाग वाले है ना हाँ। वो उनका वहाँ पे वो कैंप लगता है, वो ऑफिस है, मेन हेड है। उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, उतना दूर का नहीं दिखेगा, थोड़ा और पास जाएंगे तो शायद दिखे उस तरफ से होगा, तो देखेंगे। इधर नहीं जा पाएगा, घर का पूरा व्यू, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा देखना, व्यू ये देखो, ये चौक चौकी है, हाँ ये रहा चौकी, टूट फूट गया अभी तो हाँ, पहले था ना, पहले और अच्छा था। इसमें बरसात में देखने में और मजा आता है क्योंकि बरसात में पूरी हरी भरी हरियाली रहती है ना। हम लोग वो पूरा क्रॉस करके आ रहे हैं इधर हाँ। इधर फोटो खिंचाने के लिए खतरों से खाली नहीं है दीदी, देखो ये व्लॉग बना रहे हैं क्या कर रही है दीदी। जीजू मैं चला रहा हूँ भाई, रुको आप इसमें और चला लोगे आगे से चिल्की निकालने, चिल्की निकालने के बाद मैं चला लूंगी फिर। लो ना तो आगे सामने रख ले प्लीज आगे जाने के बाद चला लेना। चल अच्छे से रोड में चला नहीं पा रही थी है? नहीं गाड़ी नया है मोर बताई हाँ, लड़की चल जाते जो पूरा चला लेते उसको बोलते सीखना दीदी, जो सभी गाड़ी को चला लेगा, नहीं सभी गाड़ी को चला लेगा मतलब बोल रहा हूँ उसको बोलते सीखना, जो सभी गाड़ी चला लेगा जैसे भी गाड़ी हो उसको बोलते सीखना। हाँ ठंडी ठंडी ये है जंगल, इसको बोलते हैं जंगल हाँ, पूरा हरा भरा। यहाँ पे ना नाला चल रहा है ना पानी, तभी हरा भरा है पूरा। अपन लोग है एमपी बॉर्डर, मध्य प्रदेश और छह हाँ बॉर्डर है वो सीजी का है हाँ, सीजी से हम लोग आगे निकल चुके हैं, अपना एमपी में है हम लोग। अब एमपी है, एमपी है उस पार, उस छत्तीसगढ़ है और यहाँ से एमपी मध्य प्रदेश है, अपन लोग हम बीचों बीच है एमपी और उसका छत्तीसगढ़ का। पहली बार छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पार किया हूँ हाँ किया था, एक बार कोरबा गया था कोरबा नहीं वो तो फिर भी सीजी के अंदर ही आता है ये हाँ। अपना जो है अब यहाँ से लगेगा मोतीनाला थाना प्रारंभ है हाँ। यहाँ से हम आगे जाएंगे तो इधर के जो गांव पड़ेंगे हमको, रयात है, ग्राम है, ये पूरा हमको जंगल के अंदर ही पड़ेगा, जंगल के अंदर ही है ये पूरा गाँव गाँव पड़ेगा हाँ। यहाँ से है भोपाल अपना 480 किलोमीटर, जबलपुर 177 और मंडला 92 100 किलोमीटर से ना परले जाएगा ना उस तरफ हाँ। देखो ना का नदी दिखा दे, नाला जो है नाला है वहाँ, कौन सा ये वाला नाला ना, ये वाला है छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर। हम लोग ना एमपी में आ गए हैं अभी, मंडला स्वागत नहीं करोगे हमारे, आ रहे हैं एमपी वाले बोलो यहाँ से मंडला 92 किलोमीटर, जबलपुर 177 एंड भोपाल 480, बहुत दूर है अभी मंडला
मैं बोल रहा था मंडला जाएंगे करके, मंडला बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ से 2 घंटा लगेगा मंडला पहुँचने में। हाँ, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि रूट ऐसा है और कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अपने को रूट अच्छा चाहिए कि कहीं भी चले जाएंगे अपन लोग राइडर। अपने को बाइक का शौक है, बाइक और राइडिंग का। पैशन का हाल कुछ ऐसा हो गया है। वैसे घाटी में एक भी बस, हालत खराब हो गया है, पर तो भी से मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद में, आधा घंटा अपन देखेंगे, एक गांव है मंगली करके, वहां का हम बाजार देखेंगे। बाजार भी घूमेंगे। वीडियो ना 2-3 भाग होकर बनेगा, ये 2-3 पार्ट में बनाया जाएगा। वीडियो 2-3 पार्ट में बनाया जाएगा। वैसे घाटी में इजली चढ़ गए, कुछ सांस वगैरह कुछ नहीं टूटा, बंद ही नहीं हुआ गाड़ी एक भी बार। मैं सोच रहा था कि धोखा नहीं दिया, बट मानना पड़ेगा इसको। ये अपन है मंगली बाजार, कहाँ एमपी में, एमपी में मंगली बाजार, पहली बार एमपी। सिल्वर का बर्तन है और मिट्टी का बर्तन भी दिखाएंगे। दो मिनट में रफा दफा, 5 मिनट का सामान लगे सी दीदी। बर्तन दिखाएंगे, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का उठर है, कप्पर, पूरा मिट्टी मिट्टी का है। हाँ, पूरा मिट्टी का है उसको, जिसमें तांबा और सिल्वर का है। सिल्वर है ये, स्टील है ये, एल्युमिनियम है ये वाला तो अपने पास है। हाँ, वहाँ भी मिल जाएगा। अलग अलग वैरायटी के मसाले, मसाले गुंजी ले में, गुंजी झींगा इज माय फेवरेट। हाँ, गुंजी ले अच्छा रहता है। पहले बड़े वाले देख लेना है। क्या लेंगे दीदी? मछली, मच्छी, फिश। फिश मार्केट में ले जाते हैं आप लोग को। कौन सा वाला है ये? ये नाम क्या है इसका? खुक्सी। 160 रुपये किलो, एक किलो ले। 140 ने? 140 लगा ले। 160 वाले 140 कर दिए। दे दो ना, एक किलो दे दो। ज़्यादा कांटा तो नहीं है? रोहू में नहीं होती। मिट्टी का बर्तन, पूरा मिट्टी का है। व्लॉगिंग स्टार्ट है और दीदी हम वीडियो कॉल पे बात कर रही है। हाँ,